रिवॉर्ड प्लान दैट एम्पावर हम इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं और स्कूल और क्लास रूम्स में दिए गए रिवॉर्ड्स की बात कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि रिवॉर्ड सिस्टम्स आर इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द क्लास रूम मैनेजमेंट प्लान रिवॉर्ड सिस्टम्स होने चाहिए क्योंकि रिवॉर्ड सिस्टम्स जो हैं वो सेंस ऑफ मोटिवेशन जो है स्टूडेंट्स में पैदा करते हैं सो द रिवॉर्ड सिस्टम्स दे हैव टू बी वेल प्लेस्ड एंड दे हैव टू बी टाइमली एग्जीक्यूटेड इसके लिए बहुत चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि रिवॉर्ड सिस्टम्स जो हैं हम उनको कैसे प्लान कर रहे हैं बुनियादी बात यह है कि जब आप अपना करिकुलम प्लान करें तो उसके साथ ही आप अपने रिवॉर्ड सिस्टम जो है उसकी प्लानिंग भी तब करें किस मौके पर क्या रिवॉर्ड देना है रिवॉर्ड की नौयत क्या है और किस स्टूडेंट को रिवॉर्ड देना है किन एकेडमिक और किन बेहवोरियल जो हैं इश्यूज जो हैं उन पर जो है वो बहस करनी है और कहां पर रिवॉर्ड सिस्टम्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे ये सब जो है एक प्लानिंग का हिस्सा है सो व्हेन यू सिट डाउन एंड प्लान योर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर इट इज इंपॉर्टेंट टू सिट डाउन एंड आल्सो प्लान अ रिवॉर्ड सिस्टम वन थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज दैट द रिवॉर्ड सिस्टम हैज टू बी वेरी क्लियरली एंड वेरी कैंडिडली कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स एंड फॉर दैट प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड वी नीड टू प्लान दिस

और इस चीज़ का तयन करें कि हम रिवॉर्ड्स किस किस को दे रहे हैं ये चीज़ जो है ये बहुत अहम है जब आप रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो बनाते हैं तो उसमें आपके कुछ गोल्स होने चाहिए एंड यू हैव टू कम्युनिकेट दीज गोल्स वेरी कैंडिडली टू स्टूडेंट्स ये वो गोल्स क्या हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी मालूम हो दे आर ऑल्सो ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज यू आर एज फॉर एज गेटिंग रिवॉर्ड्स एंड प्लानिंग ऑफ रिवॉर्ड्स इज कंसर्न ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि अगर आउट ऑफ द ब्लू जो है रिवॉर्ड दिया जाएगा तो स्टूडेंट्स जो हैं वो उनमें फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती हैं और बाद स्टूडेंट्स जो हैं दे कैन स्टार्ट थिंकिंग वेरी हाई ऑफ देम तो ये बात जो है यह गलत है रिवॉर्ड सिस्टम्स जो हैं एक तो उनको महदूद करें और चंद जो हैं गोल्स की तरफ स्टूडेंट्स को लेकर जाएं चंद महदूद गोल्स जो हैं उन पर आप रिवॉर्ड सिस्टम्स को बेस करें

शूड एक्चुअली स्ट्रगल टू गेट दोड्स और वो उनके लिए बहुत प्रेसियस जो है एंटिटीज होनी चाहिए बट इफ यू मेक इट हैपन वेरी ऑफन इट विल नॉट ओनली लूज इट्स ग्रेस इसके साथ साथ वो अपनी इंपॉर्टेंस भी खो देते हैं सो हैव स्पेसिफिक गोल्स और टीचर्स जो है उसको ये चाहिए कि वो इसको स्पेसिफिकली कम्युनिकेट कर दे कि वो चंद गोल्स क्या हैं और उनको रिटर्न फॉर्म में या किसी चार्ट के जरिए उनको वहां पर लगा दें या स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट कर दें कि ये वो रिवॉर्ड्स हैं और इन गोल्स की सक्सेसफुल कंप्लीशन पर ये रिवॉर्ड्स जो हैं वो दिए जाएंगे ये जो है अमल बेहद ज़रूरी है इसके अलावा जो चीज़ जरूरी है कि जब आप स्टूडेंट से रिवॉर्ड प्लान जो है वो डिस्कस करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो रिवॉर्ड्स हैं मॉडस्ट लेवल के हों रिवॉर्ड्स जो हैं वो इतने हाई लेवल के ना हो कि स्टूडेंट्स जो हैं उनमें जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो इफेक्ट हो जाए इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट्स जिनकी ज़रा लो सेल्फ एफिकेसी होती है या लो सेल्फ़ एस्टीम होती है वो ये ना समझ लें कि हम तो यहां पहुंच ही नहीं सकते तो रिवॉर्ड्स जो हैं उनको मॉडस्ट लेवल का रखें ताकि हर कोई कोशिश करे कि वो रिवॉर्ड्स को पाले रिवॉर्ड्स जो हैं वो सबका हक होते हैं मगर रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए उनकी क्लियर कट जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन होनी चाहिए कम्युनिकेशन होनी चाहिए और रिवॉर्ड्स को बहुत सिंपल रखें कीप द मॉडेस्ट एंड एवरीबडी शुड स्ट्राइव टू गेट दीज रिवॉर्ड्स